जय हिंद, मैं ललित कुमार, आप देख रहे हैं आंखों देखी न्यूज। द रास्ता जो आप देख रहे हैं यह किसी क्रॉस कंट्री रोड का हिस्सा नहीं, बल्कि यह कटिहार जिले और पूर्णिया जिले को जोड़ने वाली एक बाईपास मुख्य रोड है। बताते चलें कि यह काफी व्यस्त रोड है, लोगों का आवागमन हमेशा इस रूट से बना रहता है। छोटे वाहनों के साथ साथ बड़े बड़े ट्रक भी इस रोड से रोज गुजरते आते हैं। लोगों ने कहा, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुतों को शिकायत हो चुका है लेकिन कोई असर नहीं। टैक्स भरने के बाद भी अगर ऐसी स्थिति हो रोड की, तो क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं? आपको बताते चलें कि देश में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की जान सड़क हादसे की वजह से जाती है। अपने देश भारत में सड़क दुर्घटना से हर साल 5 लाख करोड़ का सरकार को घाटा होता है, यानी देश के कुल GDP का 3% इसी में बर्बाद हो जाता है और कीमत जनता चुकाती है, जो जान को जोखिम में डालकर ऐसे रास्ते से मजबूरी में सफर करते हैं क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वहीं के स्थानीय लोग ने बताया कि सड़क बनाने से ज्यादा ठेकेदार ने मरम्मत के नाम पर पैसा ऐठे है। एक कहावत आप लोगों ने भी सुना होगा कि जिस रास्ते से सड़क गुजर जाए उस रास्ते को विकास के रास्ते के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसी सड़क से गुजरने के बाद लोगों को अपनी जान हथेली पर लेकर ही गुजरना पड़ता है। अगर किसी भी इमरजेंसी में एम्बुलेंस या फिर कुछ और इस रास्ते से गुजरना पड़े तो शायद व्यक्ति की जान बचाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि रास्ते की स्थिति बहुत खराब है। मैं बिहार के माननीय विकास पुरुष नीतीश कुमार से आग्रह करूँगा, इस रास्ते का जल्द से जल्द मरम्मत हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जिंदगी का सवाल है। आप किसी के जिंदगी को रोड की वजह से दाव पर नहीं रख सकते हैं। धन्यवाद। देखिए यह खास रिपोर्ट ललित कुमार के साथ। नमस्ते भारत, मैं ललित कुमार है आंखों देखी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोरसंडा से फरियानी जाने वाला मुख्य मार्ग से, जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर आगे फरियानी जो कि हरदा से NH 31 से जोड़ता है। मैं आपको बता दूं कि ये एक मुख्य मार्ग ही इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही यातायात, इधर बहुत सारे पंचायत हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इधर की रोड की स्थिति इतनी ख़राब है, मैंने पिछले 5-10 वर्षों में, मुझे याद नहीं है कि मैंने इस तरह का रोड कहीं देखा होगा। जो भी भाई लोग गाड़ी चलाते होंगे, चाहे वो बाइक हो या फिर 4-व्हीलर हो, उनको अच्छे से पता होगा कि मैं आपको क्या बोलूँ, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है कहीं कहीं कि आपका आगे का जो बॉनेट होता है वो टच हो जाएगा और आप 1 से 2 नंबर पे आगे नहीं चला पाएंगे। बहुत सारे जगह पे हमने रुक के पहले आगे का जायजा लिया कि गाड़ी निकलेगा या नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार की जो सरकार है, बड़े बड़े दावे करती है, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार का जो पिछले 5-10 वर्षों में विकास हुआ है, विकास का जो ग्राफ है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि समय के साथ सब जानते हैं कि परिवर्तन होता है। आप अगर ये कह के अपने आप को पीछा छुड़ाना चाहेंगे कि पिछले 10-15 वर्ष पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है, तो आप यह कहकर मुद्दा से मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि समय परिवर्तित होने लगता है। भारत अपना लोकतांत्रिक देश है और लोग सरकार इसीलिए जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, ताकि जो आम आदमी का जो मुद्दा है उसको उन तक रख सकें। लेकिन अपने बिहार का और भारत का दुर्भाग्य है कि जनप्रतिनिधि इलेक्शन के समय में तो बहुत दौरा करते हैं, तभी सबसे हितैषी उनके लिए जनता ही होती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ भूल गया जाता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, लगभग 2-3 लाख की आबादी होगी मोरसंडा, चातर, छोटी चातर, दयालपुर होते हुए ये रोड, आप इधर से चूनापुर हवाई अड्डा होते हुए पूर्णिया भी जा सकते हैं, और फिर आपको हरदा भी जाना हो तो आप इस रोड का सहारा ले सकते हैं। आदमी को अगर ये रोड बन जाता है तो लोगों को काफ़ी सहूलियत होगा। मैं बता दूं कि 10 से 12 किलोमीटर तक लगातार यहां से लेके आगे तक आपको ऐसा ही रोड मिलेगा। अगर 5 किलोमीटर का आपको सफ़र करना है तो उसमें आपको बहुत समय लग जाएगा, 5 किलोमीटर में मेरे ख्याल से 30 मिनट आपको समय लगेगा। और पिछले टर्म से पहले, मतलब 2010 के आसपास इस रोड का निर्माण हुआ था। उसके बाद
सरकार सभी रोड के लिए मेंटेनेंस का भी जिम्मेदारी देती है, जो भी ठेकेदार होते हैं उनको मेंटेनेंस के लिए भी दिया जाता है। मैं सवाल यह करना चाहता हूं, जब से यह बना है आज तक इसका मेंटेनेंस कभी नहीं हुआ। पिछले 10 साल से धीरे धीरे इस रोड की स्थिति इतनी बदतर हो गई है, आपको सारा विजुअल दिखाएंगे, आपको इतनी खराब स्थिति है रोड की, आप देख सकते हैं चारों तरफ हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं विजुअल, स्थिति बहुत ही भयावह है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि लोगों को अगर कोई ज़रूरी हो जाए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी को कभी इमरजेंसी में अस्पताल या फिर कहीं जाना हो तो बहुत परेशानी होगा। सवाल यह उठता है कि जनता ने जनप्रतिनिधि को अपने सहूलियत के लिए चुना है ताकि वह उनके उम्मीद पर खड़े उतरे, लेकिन जब जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं देंगे, यहाँ के बहुत लोगों से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत बार इस मुद्दे को उठाए हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आए दिन इस रोड में घटना होते रहती है, रोज दो दिन एक सप्ताह में सुनने मिलता है एक्सीडेंट। बिल्कुल आप कितना भी धीरे जाएंगे, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, कभी भी आपके साथ कुछ दुर्घटना हो सकता है। तो मैं सरकार से और यहाँ के जो अस्थाई जनप्रतिनिधि सांसद विधायक महोदय हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि कम से कम लोगों के हक के लिए, लोगों की भलाई के लिए इस रोड का कुछ मरम्मत या बनवा दिया जाए, क्योंकि यह एक मुख्य मार्ग है, लोगों को काफ़ी परेशानी उठाना पड़ता है। और पिछले 5-10 आप यह कर मोड़ नहीं मोड़ सकते कि 10 साल पहले बिहार में क्या था और अभी क्या है। जो जनता का मुद्दा है उसको बिल्कुल उठाना है इसमें कहीं। और सबसे अहम एक और बात मैं आपको बताना भूल गया, पिछले 2 साल पहले हमने देखा था कि इस रोड में कुछ कह सकते हैं गिट्टी बहुत जगह पे दिया गया था, मतलब गिट्टी स्टॉक किया गया था, ऐसा लग रहा था कि रोड बनेगा, मतलब काम शुरू हो सकता है, लेकिन लोग बहुत इंतज़ार किए, बहुत लोगों ने बताया कि 6 महीना साल तक वैसे का ही पड़ा रह गया, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस रोड के लिए जो ठेकेदार है होते हैं जिनको सरकार टेंडर देती है, कहीं ना कहीं उनको ज़रूर इसके मरम्मत के लिए या फिर इसके लिए टेंडर मिला होगा, लेकिन अगर मिला है तो फिर अभी तक काम क्यों नहीं हुआ है, और अगर नहीं मिला है तो फिर क्यों नहीं मिला है, अब किस दिन का इंतज़ार किया जा रहा है, जब इस इधर के लोग काफ़ी, जब उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी तब इस पर। अब बात यहाँ ये है, नेता लोग तो आते हैं, कभी इस रोड में उनको आने की क्या आवश्यकता है, वो तो बस मुख्य मार्ग से जाएंगे चीफ गेस्ट के तौर पे, या इस रोड में तो जो जनता होती है उनको आना पड़ता है। तो इस रोड का जो मुख्य मार्ग है इसमें आखिर अगर इसका टेंडर पास हुआ है तो काम क्यों नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो फिर क्यों नहीं हुआ, ये बहुत निश्चित तौर पर यह एक जाँच का विषय है, इस पर जाँच होना चाहिए। मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहूँगा इस रोड का कुछ ना कुछ निदान किया जाए, क्योंकि जनता इधर बहुत सारे पब्लिक हैं, उनका ये मुख्य मार्ग है, उनको काफ़ी कठिनाइयां झेलना पड़ता है। मैं ललित कुमार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखी।